इंदौर में साइनोडेंट मेडिक्स द्वारा तृतीय वर्ल्ड डेंटल साइंस एंड ओरल हेल्थ कॉन्फ्रेंस और साइनोमेडिक्स फॉरेंसिक सिंपोजियम का आयोजन किया जाएगा। 23 से 26 जून तक यह कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसके अंतर्गत 23 और 24 जून को फॉरेंसिक तो 25 और 26 जून को डेंटल विषय पर चर्चा की जाएगी। इसके अंतर्गत लोगों को फॉरेंसिक साइंस से अवगत भी करवाया जाएगा। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। इंदौर में 23 से 26 जून तक साइनोडेंट मेडिक्स द्वारा तृतीय वर्ल्ड डेंटल साइंस एंड ओरल हेल्थ कॉन्फ्रेंस और साइनोमेडिक्स फॉरेंसिक सिंपोजियम यानी कि संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन जलसा रिसोर्ट में होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत में दो दिन 23 व 24 जून को फॉरेंसिक विज्ञान पर चर्चा की जाएगी। इसमें बताया जाएगा कि उसका हमारे जीवन में कितना महत्व है, उसका स्वरूप पहले से लेकर अभी तक में कितना बदलाव आया है। इसके बाद 26 जून को डेंटल विषय पर भी चर्चा होगी। आयोजन में 40 से ज्यादा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता अपना सालों का निचोड़ जनता के सामने रखेंगे। आयोजन में मेडिकल के विद्यार्थियों को 10 से 12 पाठ्यक्रमों पर भी पढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही प्रैक्टिकल भी करवाए जाएंगे। हमारी डेंटल कॉन्फ्रेंस होने वाली है एंड फॉरेंसिक सिंपोजियम होने वाला है इंदौर में, जलसा रिजॉर्ट्स इंदौर में। और ये कॉन्फ्रेंस के पहले दो दिन हमारी कॉन्फ्रेंस होने वाली है 23 जून से लेकर 26 जून तक, और 23 से 24 जून हमारी फॉरेंसिक सिंपोजियम होने वाला है, जिसको हमने नाम दिया है साइनोमेडिक्स फॉरेंसिक सिंपोजियम। और इसका थीम है अ न्यू एरा ऑफ फॉरेंसिक बून टू द वर्ल्ड। इसमें हम ये दिखाना चाहते हैं कि फॉरेंसिक की पहले और अभी में कितनी ब्रांचेस हो गई है, फॉरेंसिक का क्या रोल है एक आम जिंदगी में, मेडिकल साइंसेस में, डेंटल साइंसेस में क्या रोल है और उससे हमें क्या मदद मिलती है। इससे हम लोगों को शिक्षित करना चाहते हैं, चाहे वो मेडिकल के हो या डेंटल के हो। और हमारी उसके बाद 24, 25 और 26 को डेंटल कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसका नाम है सेकेंड वर्ल्ड डेंटल साइंसेस एंड ओरल हेल्थ कॉन्फ्रेंस। ये हमारी कॉन्फ्रेंस सीरीज़ चल रही है, ये एशियाज बिगेस्ट कॉन्फ्रेंस सीरीज़ है जो कि हम कर रहे हैं कुछ काफ़ी सालों से। और हमारी पिछली कॉन्फ्रेंस हुई थी ऋषिकेश में, 5 दिन की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, और यहाँ भी हमारी 5 दिन की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है इंदौर में, जहाँ हमारे पास 50 से ज़्यादा स्पीकर्स है जो कि भारत के नहीं बल्कि भारत से बाहर के भांति भांति के देशों से आ रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे जो डेलीगेट्स हैं जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं वो भी कई तादाद में होंगे, करीबन यहाँ अनुमान लगाया जा रहा है कि 2000 के करीबन होंगे। इस दौरान डॉक्टर हेमंत गाडगे ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि देश में आजकल काफ़ी ज़्यादा अपराध होते हैं जिनको हल करने में फॉरेंसिक का बहुत बड़ा हाथ होता है। इस पर उदाहरण पेश करते हुए उन्होंने बताया कि निर्भया मामले में भी अपराधी को फॉरेंसिक साइंस की मदद से ही पकड़ा गया था, क्योंकि अपराधी के शरीर पर बाइट मार्क था और उस बाइट मार्क के जरिए एक डेंटिस्ट ने उसकी अपराध भागीदारी को शोध किया था। अभी इंदौर में 23 से लेकर 26 जून के बीच हमारे यह कॉन्फ्रेंस अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। ये थर्ड वर्ल्ड डेंटल साइंस कॉन्फ्रेंस है और फॉरेंसिक साइंस कॉन्फ्रेंस है। जैसे कि आपको सबको पता होगा कि हमारे यहाँ पे रोज़ कुछ ना कुछ वारदातें हो रही हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपको सब पता होगा, सबको जो दिमाग में बैठा होगा एक निर्भया केस का, ठीक है। तो बहुत कम लोगों को पता होगा कि उसके अंदर भी जो कल्पेट था, ठीक है, जो गुनहगार था, उसको सजा एक डेंटिस्ट की वजह से हुआ था, ठीक है। बाकी पूरा टीम भी था उसके अंदर, लेकिन उसमें एक डेंटिस्ट ने भी एक रोल प्ले किया था कि उसने क्या किया था, जो दांत के निशान थे उसको हमारे लैंग्वेज में बाइट मार्क बोलते हैं, उससे करा एनालाइज करके मालूम पड़ा था कि जो जिसने किया था, जो गुनाहगार था, उसको साबित उसकी वजह से किया था, बाइट मार्क की वजह से, ठीक है। तो अभी धीरे धीरे फील्ड है अपनी डेंटिस्ट्री की, फॉरेंसिक साइंस की, और पूरा ओवरऑल फॉरेंसिक साइंस मेडिकल डेंटल मिला के इसमें आगे अग्रसर हो रही है, ठीक है। तो हमको ये पूरे देश में विदेश तक पहुंचाना इस चीज़ को कि ये भी कुछ होता है, क्योंकि हर केस के अंदर आजकल आप टीवी उठा के देखो, कुछ भी देखो, हर वेबसाइट दिखाते कि फॉरेंसिक वाला आता है, ये करता है, वो करता है। एक्चुअल होता क्या है, तो हम चाहते कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो भी मेडिकल फील्ड वाले हैं, डेंटल फील्ड वाले हैं, उसको देखे, समझे क्या होता है, कैसे होता है, वो सब कुछ जाने। साइनोडेंट मेडिक्स के आईटी डिपार्टमेंट के हेड कुशवर्धन ने बताया कि साइनोडेंट में टेक्नोलॉजी का काफ़ी इस्तेमाल किया जा रहा है। हीबर्ट सिस्टम की मदद से कॉन्फ्रेंस की जा रही है और इसके साथ ही भविष्य में वीआर की मदद से कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी और बहुत जल्द ही साइनोडेंट द्वारा अपना एक ऐप भी लॉन्च किया जाएगा।
नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम डॉक्टर आशीष चंद्र पांडे है। मैं साइनोडेंट इंटरनेशनल का को डायरेक्टर हूँ और इंडियन सोसाइटी ऑफ डेंटिस्ट्री का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हम जो ये कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं, हमारा विषय है इसमें फॉरेंसिक का हमारा थीम है 23 और 24 तारीख का, और 24, 25, 26 का हमारा थीम है डेंटिस्ट्री का। इसमें हम डेंटल के विषयों पे बताएंगे और इससे पहले जो फॉरेंसिक वाला थीम है उस पे हम फॉरेंसिक के विषयों पे बताएंगे। इसमें हमारे पूरे देश से, पूरे भारतवर्ष से ही नहीं, बाहर से भी हमारे फॉरेंसिक के स्टिकर्स आ रहे हैं, जो कि हर एक चीज़ पर, फॉरेंसिक के हर एक विषय पर छात्रों को या फिर जो फील्ड के लोग हैं उनको जानकारी देंगे। फॉरेंसिक के अलग अलग विभाग जैसे हैं, फॉरेंसिक फिंगरप्रिंट हो गया, फॉरेंसिक मेडिसिन हो गया, टॉक्सिकोलॉजी हो गया, फॉरेंसिक पैथोलॉजी हो गया, बाइट मार्क एनालिसिस हो गया, इन सारी चीज़ों की हम जानकारी देंगे, ताकि जो है हम लोगों को, मेडिकल फील्ड के लोगों को हम इस चीज़ के बारे में ट्रेन करने जा रहे हैं। इसमें फॉरेंसिक वाले कॉन्फ्रेंस में हम दो वर्कशॉप भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। जो हमारे यहाँ डेलीगेट्स आएंगे उनको हम दो वर्कशॉप भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। उन वर्कशॉप का प्रॉपर सर्टिफिकेशन हम उनको देंगे, जिनसे वो फर्दर उस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हैं आगे चल के। आयोजन के दौरान अवार्ड शो का कार्यक्रम भी किए जाने की जानकारी देते हुए डॉक्टर आशीष चंद्र पांडे ने बताया कि अवार्ड्स के लिए पूरे देश भर से नॉमिनेशंस आ रहे हैं और एमपी के लिए अलग से अवार्ड्स भी रखे जाएंगे और उनके विजेता जज की कमेटी द्वारा चुने जाएंगे। जी सर, साइनोडेंट में हम कई चीज़ों पर टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि अभी कॉन्फ्रेंस चल रहे हैं तो हम हाइब्रिड सिस्टम से भी कॉन्फ्रेंस अरेंज करते हैं, साथ ही साथ फिज़िकल कॉन्फ्रेंस भी अरेंज करते हैं, और एक वीआर कॉन्फ्रेंस का भी हम आने वाले समय में कॉन्फ्रेंस अरेंज करेंगे। और साइनोडेंट एक टेक्निकल प्लेटफॉर्म भी है और इस प्लेटफॉर्म पर हम एआई बेस पर कई चीज़ें एप्लीकेशंस इंट्रोड्यूस करेंगे आने वाले समय में, और अभी हम इस साल के एंड में कई सारी एप्लीकेशंस लॉन्च करने का है, जिसमें कि हमारा एक मेन रहेगा सीएमएस, जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जिसके अंदर हम ड्रग्स की इंफॉर्मेशंस, पेशेंट की इंफॉर्मेशन और कई चीज़ें जो डॉक्टर्स को हेल्प करे डायग्नोस करने में, पेशेंट्स के जो भी प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो भी डिजीज़ है उनको कैसे और अच्छे से एनालाइज करके और किस तरह से उसे ठीक करा जा सके, तो हमारे प्लेटफॉर्म में ये चीज़ें भी आने वाली है। साइनोडेंट मेडिक्स द्वारा आयोजित होने वाले इस तृतीय वर्ल्ड डेंटल साइंस एंड ओरल हेल्थ कॉन्फ्रेंस और साइनो मेडिक्स फॉरेंसिक सिंपोजियम में शामिल होकर उस ज्ञान को भी लिया जा सकेगा जिसके लिए लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।